अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। ये है जी मियाँ जी रेस्टोरेंट, और इसके हर एक टेबल पे सबसे स्पेशल चीज़ है कि अचार का एक डब्बा रखा गया है, जो कि दाल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, मियाँ जी रेस्टोरेंट की जो मेन ब्रांच है वो लाला मूसा खालियाँ के दरमियान में आती है, और अभी हम जा रहे हैं मेन GT रोड पर हैं, जो कि मंदरा टूल प्लाजा के करीब इसकी ब्रांच नंबर 3 है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और हम खाना खाने लगे हैं दाल, और देखते हैं कैसी होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करने लगी हूँ, और बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की जो दाल है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो वहाँ जाकर देखते हैं और बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ठंडी लस्सी और गाजर का हलवा, खीर, गुलाब जामुन, दूध, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनकी चीज़ें इस तरह से स्पेशल हैं, लेकिन जो है दाल की जो स्पेशलिटी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, मानी जाती है। और फिर हमने मंगवाई दाल, और हर एक टेबल पर जो है ना इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस में अचार रखा गया था। तो मैं पहले देखकर सोचने लगी कि शायद किसी का सालन रखा हुआ, लेकिन इसमें अचार था, और इस तरह से अचार होता है। उसके बाद हमने चिकन हांडी भी मंगाई थी, और एक प्लेट हमने दाल ऑर्डर की थी। ये दाल जो है दो तरह की दालों को मिक्स करके बनाई जाती है, और इसमें स्पेशल जो है वो देसी घी फ्राई देसी घी में होती है, तो उसका जो है अलग सा एक टेस्ट होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है इनका, हम ब्रांच नंबर 3 में हैं, और काफ़ी ज़्यादा पुरसकून सा फैमिली के लिए जो है वो माहौल था, और साफ़ सुथरा सा एक एनवायरनमेंट था, और सर्विस भी इनकी अच्छी थी, और खाना भी बहुत अच्छा था। यहाँ के ओनर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स और प्रेजिडेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आकर दाल इन्जॉय करते हैं इनकी। और कैसा रिव्यू है? चिकन हांडी बहुत अच्छी है, बहुत तो जी ये थे आज के रिव्यूज, आज का छोटा सा व्लॉग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वापसी पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आते हुए आपने देखा कि बादल बहुत ज़्यादा थे, बहुत प्यारा मौसम था, और वापसी पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।